सिंगापुर में जो आपकी सैलरी जो है एस पास पर जो 1 सितंबर से यानी पिछले महीने से चालू हुई है, जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको जो $3,000 मिल रहे हैं, क्या उनको कैश इन हैंड मिल रहे हैं? किसी ने पूछा था कि सर हमें एस पास पर जो हमें जॉब मिल रही है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, या कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, या कोई इंजीनियरिंग कंपनी हो, या कोई IT हो, अगर आपका एस पास अप्रूव हुआ है $3,000 एज अ फ्रेशर्स, तो क्या ये सैलरी इनफ है? क्या हमें, अगर होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो $3,000 क्या हमें पूरे कैश इन हैंड मिलेंगे? तो इस वीडियो में पूरा बताने वाला। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या YouTube की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह से प्यार बनाए रखो, शेयर ज्यादा करो ताकि रियल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप एजेंसी की डिटेल जानना चाहते हो कि कैसे कहां से हमें देखना है, तो मेरे चैनल को जाके देख लेना, पूरी बहुत सारी वीडियो है। आपको यूरोप जाना है, पोलैंड जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, सिंगापुर आना है, मलेशिया जाना है, या कनाडा जाना है, बहुत सी एजेंसीज हैं। अगर आप सिंगापुर से पाथवे कैसे ले सकते हैं, कौन सी इमिग्रेशन कंपनीज है, टॉप 20 एजेंसीज कौन सी है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर है, उसको जाके आप जरूर विजिट करें ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। आज बात करें कि जो 1 सितंबर से जो लॉ चेंज हुआ कि एस पास में पहले जो फ्रेशर्स के लिए $3,000 क्या हमें रियली में मिले। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में तो 3,500 एस पास पर, तो भाई ये सैलरी आपको मिलेगी, आपके बैंक में ही जाएगी। अब देखो सिंगापुर में जो सैलरी सिस्टम होता है आपकी बैंकिंग में होता है, तो आपको अगर एस पास मिल रहा है तो $3,000 आपके एम्प्लॉयर आपके उस पर डालेगा। अब बात करते हैं कि कैश इन हैंड हमें कितना मिलेगा। तो देखो ऐसा होता है, अगर आप IT कंपनी में हो मोस्टली, या किसी और इंडस्ट्री में हो, आपको होटल इंडस्ट्री की भी बात करता हूं, अगर आपको $3,000 मिल रहे हैं, आपको एकोमोडेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको लेवी जो आपका इनकम टैक्स वगैरह होता है वो आपको खुद करना पड़ेगा, तीसरा जो आपका खाने पीने का आपको खुद ट्रेवल अलाउंस वगैरह सब आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं खर्चे की बात करूं, अगर आप एस पास पर हो, $3,000 आपको मिल रहे हैं, तो आपका जो खर्चा मोटा मोटा भाई 1200 से 1500 होने वाला है, अगर आपको कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं करती। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो तो भाई आपको कंपनी खाना पूरा प्रोवाइड करती है, एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, इंटरनेट वगैरह का खर्चा प्रोवाइड करती है, ट्रेवल अलाउंस पूरा आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सारा हिसाब जोड़ के आपको कैश इन हैंड 1500 से $2,000 मिलता है। तो बात वही पड़ती है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे को जो सैलरी मिल रही है वो 3,000 कैश इन हैंड मिल रही है, तो भाई आपको इनकम टैक्स आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। अगर आपका $3,000 आपकी सैलरी है, तो मंथली आपका अगर साल का हम देखें तो 1000 या 1200 डॉलर इनकम टैक्स आने वाला है, यानी महीने का 150 के आसपास आपका इनकम टैक्स होने वाला है। तो मोटा हिसाब करते कुछ कंपनीज आपको ये सब चीजें खुद करती हैं और आपको कैश इन हैंड 1800 से या $2,000 देती है। तो बात वही पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी जो सैलरी है वो $2,000 है एस पास पर, ऐसा क्यों? तो भाई देखो कंपनी आपका इनकम टैक्स पे करती है, आपको रिकॉमेंडेशन देती है, आपको खाना ट्रेवल, तो ये सब मिला के अगर हम देखें इनकम टैक्स 150 आपका, $150 हो गया रहने का आपका, 400 से $500 हो गया, तो 550, खाने पीने का 300 350 होता है, ट्रेवल अलाउंस, तो कुल मिला के 1000 से 1200 डॉलर्स खर्च हो जाता है। तो 3,000 अगर आपको कैश इन हैंड मिलेंगे, तो भाई आपको ये चीजें खर्च करनी पड़ेगी, तो भी आपको $1,800 या $2,000 ही आपको बचेंगे। कुछ होटल्स में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको ये सब चीजें खाना पीना रहना फ्री हो जाता है, ट्रेवल अलाउंस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, आपका इनकम टैक्स भी कंपनी पे करती है, और आपको कैश इन हैंड 1800 के आसपास मिलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई कि रियलिटीज क्या है, इस तरह से काम होता है सिंगापुर में। बात वही है भाई, रोटी जो होती है ना, चाहे वो ऐसे पका लो या ऐसे पका लो, पकनी हुई है सैलरी उतनी ही मिलती है। आप हिसाब लगा के देख लेना, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें कम क्यों मिल रही है, भाई वो कम नहीं मिल रही। अगर देखो आपका खाना रहना भी अगर आप देखा, महीने का $500 आपका पूरा होता है, ठीक है, रहने का मैं देखो जाए तो रहने में आपका $400, आपका मेरी अकोमोडेशन की बात करोगे तो ये अकोमोडेशन अगर पूरे फ्लैट की बात करी जाए तो भाई $2,500 से कम नहीं है, और 6 बंदे रहेंगे तो 2,500 का 6 से भाग करके देख लो आप, करीब करीब 700 या 650 प्लस इलेक्ट्रिसिटी $700 पर बंदा पड़ रहा है, तो एकोमोडेशन आपका 600-700 पड़ रहा है अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो भाई, क्योंकि आपका जो कंपनी है तो सैलरी में से कट करेगी, आपका खाने पीने का आपका कट करेगी, आपका ट्रेवल अलाउंस का
उसका कट करेगी, आपके जो अदर एक्स इंटरनेट वगैरह का कट करेगी, तो कुल मिला के 1200 तो आपके वैसे ही खर्च होने वाले हैं। तो 3000 अगर आपकी सैलरी है तो 1800 मिल रहे हैं, तो भाई बात तो वही है। और कुछ कंपनीज में मेरे एक दोस्त हैं जो उनको पूरा 3000 है, लेकिन वो सारा अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, तो भाई उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है। कंपनी करती है तो आपके हिसाब से कंपनी अच्छा ही प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई कि मेरी सैलरी कम क्यों है, मेरी सैलरी ज्यादा क्यों है। ज्यादा और कम नहीं है, ऑन एन एवरेज सेम ही सैलरी है। बस आपको लगता है कि मेरे बैंक में 3000 आ रहे हैं और या मेरे बैंक में 1800 आ रहे हैं, लेकिन आपके जो खर्चे कट कटा के आपको 1800 से या $2000 ही बचने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।